दुनिया विच हुनरमंदां दी कोई कमी नहीं है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए ने जिन्हां नाल दुनिया नूं जित्तिया जांदा है। ते इसे तरह का एक हुनरमंद लुधियाने का मनोज जैन है, जिसने कलर टीवी दे प्रोग्राम हुनरबाद विच हिस्सा लै लुधियाने का ही नहीं सगों पूरे पंजाब का नाम अपनी जादू की कला दे नाल रोशन किया होया। मनोज जैन दसदा है कि वह पिछले 35 सालों तो जादू की कला नाल जुड़िया होया है। पहला उसका होजरी का कारोबार सी, पर 2009 विच व्यापार विच घाटा होने कारण उसने अपनी जादू की कला ते शौक नू अपनी रोजी रोटी का जरिया बना लिया ते खुद जादू के समान तैयार करन दा मैन्युफैक्चर भी बन गया। 100 दे करीब उसने जादू की कला के समान खुद बनाए ने। पिछले दिन ही उसनू कलर टीवी चैनल के प्रोग्राम हुनरबाद विच हिस्सा लैण दा मौका मिला सी ते उत्थे उसनू कई वड्डी शख्सियतां वल्लों शील्ड भी दे के सन्मानित किया गया। ते अज उसदे इस कला तो प्रभावित होने मगरों लुधियाने के डॉक्टर विजय वालों भी सन्मानित किया गया। हालांकि मनोज जैन वालों जिस तरह की जादू की कलाबाजी दिखाई जाती है उस बारे मनोज खुल के की कुछ कहता है, वह उसके मुँह ही सुना दें। पिछले 35 साल तो मैं मैजिक दे विच हॉबी के रूप से परफॉर्म करता सीगा, और 2009 दे विच साडे बिजनेस दे विच जो लॉसिज होए उस तो बाद मैं इस बचपन के शौक नूं प्रोफेशन के रूप से अपनाया। बिजनेस की करते थे? बिजनेस साडा हौजरी दे नाल रिलेटेड बिजनेस सीगा, जिप मैनुफैक्चरिंग का। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस सीगा, लेकिन कुछ सरकमस्टांसिस इदा दे होए कि लॉसिज हो गए काफ़ी। तो उस तो बाद मैं नौकरियां वगैरह भी कीतियां, लेकिन जो साडे घर दे खर्चे सी वो भी पूरे नहीं सी हो पा रहे। तो इस बचपन के शौक नूं बिजनेस के रूप च एक ट्रायल के रूप से शुरुआत की, कि जे रिस्पोंस मिले तो अगे कंटिन्यू करांगे, नहीं तो कुछ होर देखांगे। तो और ये रिस्पोंस अच्छा मिलिया, लोग एप्रीशिएट करन लग गए हौली हौली। मैं कई ऑडिशनस वगैरह भी जो टैलेंट शोज दे आते थे, टैलेंट शो के ऑडिशन वगैरह भी दिते। तो लेटेस्ट हुनरबाज दे विच मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो फस्ट राउंड दे विच जो मैं मैजिक किया, कार्ड मैजिक किया, तो मैजिक का प्रभाव जजिस के उपर, मिथुन चक्रवर्ती जी सी जज के रूप च, परिणीति चोपड़ा जी सी और करण जौहर जी। तो जो मैजिक मैं किया उन्होंने इन्ना एप्रीशिएशन मिलिया उन्होंने को, और मैं उतो मिली जी मिथुन जी के हाथों। और मैं जब फस्ट राउंड दे विच सिलेक्शन तो बाद मैं तो यही सोचा सीगा कि एक अद्धा राउंड होर जावांगे तो उस तो बाद एलीमिनेशन हो जाएगी, पर मैनू नहीं सी पता कि मैं सेमीफाइनल तक भी पहुँच जाऊँगा। तो मैं उस प्रोग्राम च मैं सेमीफाइनलिस्ट रहा, और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस सीगा। एक जमाना सी कि मैं अपनी गली दे विच वर्ल्ड फेमस सीगा, अज मैं वाकई वर्ल्ड फेमस है। तो ये चेंज जो लाइव दे विच आया है अच्छा लग रहा है। शौक जिहड़ा सीगा तुहाडा, शौक किस तरह पैदा होया सीगा, और किहड़े किहड़े जिहड़े मैजिक दे तुसीं करदे हो, किहड़े किहड़े मैजिक दे कीते दे? शौक तां सर जो पुराने जमाने अपना टैलीविज़न दे उपर नाटक आया करदे सीगे, रामायण हो गई, महाभारत हो गए, या दादा दादी की कहानियाँ, विक्रम बेताल वगैरह, उन्होंने जो कई कहानियों के चमत्कार दिखाए जाते सी, कोई हवा चुड़ रहा है या एक जगह तो गायब होकर दूजी जगह आ रहे हैं, या हाथ उपर किया कोई चीज़ आ गई हाथ दे विच, तो वह चीज़ा हर बच्चे अट्रैक्ट कर दें, तो मैनू भी अट्रैक्ट कर दें। तो मन च सोचा करते यार जे इदा की कोई चीज शक्ति इदा की पावर कोई साढ़े को आ जाए तो क्या कहने। फिर किसी ने दसिया कि साधु संतों को सिद्धियां होंदियां, उन्हां दी सेवा करोगे तो इदा की चमत्कार तुहाडे कोल मिल सकते हैं। मैं साधु संतों के पिछे भी गया, तो पता लग्या कि उन्होंने भी चमत्कारों के पिछे वैज्ञानिक कारण ही है या धोखेबाजी है। तो फिर उन्हों तो अलग हो के फिर किसी ने कहा ज्योतिषी, ज्योतिषी भी भविष्य देख लेंगे भी कल की होना, उन्होंने पहले ही पता लग जाता है भी इन्हों कोई शक्ति होएगी। तो मैं ज्योतिषी भी सीखी, फिर पता लग्या कि यह भी एक फ्रॉड विद्या ही है। फिर मैं
किसी ने कहा कि भी जादूगर भी स्टेज पर बहुत कुछ इदा दिखाते हैं, कुछ हवा च भी उड़ा देंगे, गर्दन कट के भी दोबारा जोड़ देंगे, है तो भी इन्हों को कुछ होएगा। तो जब मैं जादूगर के पिछे गया तो पता लग्या एक एक ईमानदार कला है जिहदा मकसद लोगों नूं एंटरटेन करना है और जिहदे पिछे कोई सुपरनैचुरल पावर या कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी हद की सफाई या चलाकी है जिहड़ी लोगों नूं ना समझ आए वो जादू।